हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. सो दशहरा का हॉलीडे शुरू हो गया है. सो अगेन आई थिंक वेनसडे और थर्सडे तक, नहीं आई थिंक वेनसडे तक छुट्टी है फिलहाल. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑफिस आर क्लोज्ड. मेरा एक मंडे का ऑफिस है, बट अगेन आई एम थिंकिंग वेदर टू गो और नॉट. एंड अगर प्लान नहीं बना तो मेरा प्लान है कि हम लोग हम्पी जाके आए. बट आज हम लोग जस्ट विद इन बैंगलोर एक लोकल जगह है, इट्स कॉल्ड प्राणी द पेट सेंचुरी, वहाँ पे जा रहे हैं आज. आई हैव सीन रिव्यूज़, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके. बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है टू इन्जॉय. सो जाते हैं आज, मैं और आदि ही हैं. सो मुझे लगा यू नो घर में बैठने से अच्छा है सैटरडे, यू नो लेट्स विजिट दिस प्लेस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यू नो टाइम ढूंढ रहा था यहाँ पे जाने का. सो फ्रॉम माय हाउस इट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes. तो लेट्स सी, ये वी विल टेक आउटर रिंग रोड जो कि मेरे गुरुगंडे पैलेस से कनेक्ट होता है, और वहाँ से मैं मैसूर रोड जो नाइस रोड कनेक्ट होता है वहाँ से चले जाऊँगा. तो लेट्स गो एंड चेक, होपफुली इट डजंट रेन टुडे, क्योंकि वैसे वेदर तो काफ़ी क्लाउडी है. बट या अब निकल चुके हैं तो लेट्स सी. सो ये हम लोग अभी आउटर रिंग रोड जंक्शन में हैं, आई मीन आउटर रिंग रोड पे हैं. दैट्स यू नो विच अब यहाँ से हम लोग एक नाइस रोड जो मैसूर रोड का आने वाला है कनेक्शन, वहाँ पे मैं ले लूँगा. हाँ, तो आई थिंक ये है, यहाँ से मुझे एक लेफ्ट लेना है, देन विल कनेक्ट टू नाइस रोड. सो आई थिंक दैट विल सेव टाइम, मे बी कुछ एटलीस्ट कुछ नहीं तो 15-20 minutes तो कम ही लगेगा अगर मैं नाइस रोड से गया. तो आउटर रिंग रोड से आई डोंट नो क्या भाई कहीं स्टक हो गए तो दिक्कत है. इट्स लुक्स गुड, आई थिंक सैटरडे है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और ट्रैफिक भी बहुत कम है. बट वहाँ पे मुझे नहीं पता कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या कुछ है, बिकॉज आई थिंक जो मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा है कि लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है. तो एनी वेज मैं कुछ खाने के लिए आदि को अगर भूख लगी तो कुछ पैक कर लूँगा बीच में. अदरवाइज अगर स्लॉट नहीं है तो मे बी हमको फिर इवनिंग स्लॉट तक वेट करना पड़ेगा. तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, बट लेट्स सी लंच का कुछ दिक्कत आ सकता है, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक कुछ आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा. तो अगर आप जा रहे हैं तो मे बी प्लान करके जाएं या कुछ खाने का लेके जाएं साथ में. दैट्स व्हाट आई सी फ्रॉम रिव्यूज, बट वंस आई रीच देन आई विल नो हाउ इट इज. ये है हमारा टोल नाइस रोड का. तो आदि तो सो गया एज यूजुअल, 15-20 minutes तक बहुत ही एक्साइटेड रहता है कहीं जाना हो, उसके बाद पीछे सो जाएगा. तो गुड फॉर मी ऑल्सो, कुछ ड्राइव के टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, नहीं तो यू नो साइड में बैठ के कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाता रहेगा. गुड, आई थिंक वेदर इज़ रियली लुकिंग गुड, ऑसम क्लाउड्स और उस पर नाइस रोड का ड्राइव. तो यू गाइज नो हु हैव बीन टू दिस रोड, सो इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला, सो यू नो जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज कि अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आप अपने बच्चों को लेके जा सकें, और अगर यू नो दे आर इंटरेस्टेड इन पेट्स एंड यू नो टू वॉच देम टू टच और फील देम, so you can visit this place. So I'll show you the complete way, possibly you know jitna ho sakta utna main dikha dunga aapko ki route kaisa hai. To nice road tak to anyways is good, uske baad jo connect pura road se connect hota hai that I'll show you how it is going to be.
सो आज ही नॉट आज एक्चुअली कल मैंने सर्विसिंग भी कराया है गाड़ी का, बिकॉज हम लोग इस मंथ थोड़ा छुट्टियाँ ज़्यादा है, तो मे बी और दो ट्रिप्स आई एम प्लानिंग. वन इज़ टू तिरुपति, सो तिरुपति का मैं वीडियो डालूंगा शॉर्टली. सो दैट इज़ दैट विल कम समवेयर मंथ एंड में आएगा वो वीडियो. तो एक बीच में और आई विल ट्राई कि हम दोनों को अगर लीव मिल गई तो मे बी वन मोर प्लेस आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर. सो लेट्स सी, वो टेंटेटिव है बट तिरुपति फिक्स है फॉर श्योर. यू नो आई कैन एश्योर यू दैट. सो आज मेरा प्लान था एक्चुअली कि इवन ड्रोन भी लेके जाऊँ, बट सिंस द वेदर इज़ लिटिल क्लाउडी सो मुझे रिस्की लगा, तो इसलिए ड्रॉप कर दिया प्लान. नहीं तो मे बी आई वुड हैव शोन यू सम ड्रोन शॉट, बट एक्चुअली अच्छा है, उतना विंडी नहीं है. अगर लेके आ सकता जाता तो यू नो लेके आ सकता तो यू नो प्रॉब्ली हम लोग यहाँ का नाइस रोड का ही कुछ शूट कर लेते, समथिंग टू कैप्चर फ्रॉम एरियल व्यू. नो वरीज. राइट. सो आपको अगर अगर आप यू नो विद इन सिटी आना चाहते हैं, तो आई थिंक ये भी मैं अभी देख रहा हूँ कि एक यू नो रूट दिखा रहा है. इट इज़ टेकिंग अनदर 15 मिनट्स टू रीच थ्रू दैट रूट, बट आई डोंट नो, इट डिपेंड्स कहाँ से आप निकलने वाले हैं बैंगलोर से. अगर आप नॉर्थ बैंगलोर से निकलने वाले हैं तो देर इज़ अ रूट थ्रू राजाजी नगर ऑल्सो, जहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं. राइट. सो आई थिंक यहाँ से थोड़ी देर में हमको कनकपुरा वाला जो लेफ्ट टर्न है वो मिल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग एग्ज़िट करके नाइस रोड देन विल कम टू द कनकपुरा रोड. ड्यू टू दिस वेदर आई थिंक इवन मेरा भी यू नो लास्ट वीक तबीयत ख़राब था, दैट्स वाई आई थिंक इफ़ यू सी ये व्लॉग थोड़ी देर के बाद आया है, तो इवन आदि का मेरा यू नो दोनों का थोड़ा सा तबीयत डाउन था, तो कहीं जा नहीं पाए वीकेंड्स में. सो आज थोड़ा सा लिटिल बेटर इट इज़, बट हाँ थोड़ा सा थ्रोट में फिर भी थोड़ा इन्फेक्शन जैसा है, बट इट इज़ ऑल गुड. बट अबाउट नाइस रोड आई थिंक यू नो अगर आप तुमको रोड से भी कनेक्ट कर रहे हैं या मैसूर रोड की साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली ब्यूटिफुल. तो जस्ट दैट यू नो यू यू के नॉट स्टॉप प्रॉब्ली एनी वेयर एंड इन केस ओनली इन इमरजेंसी लाइक मे बी यू नो यू कैन स्टॉप, एंड इवन इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप आप कुछ देर के लिए ही रुक सकते हैं. बट या एनी वेज देर इज़ नो लाइक स्पॉट कि जहाँ पे आप एक्चुअली यू नो थोड़ा रिलैक्स कर सकें, दो द यू नो सराउंडिंग एरिया इज़ रियली ग्रीन एंड बहुत अच्छा पैच है. सो आई एम गोइंग स्लो राइट नाउ, नो हरी, क्योंकि अगर अगर पेट सेंचुरी में अगर सॉरी प्राणी में अगर ज़्यादा क्राउड नहीं रहा तो हमको आई थिंक सो जाने देंगे अंदर, बट अगर भीड़ रही तो दे विल गिव अस अ स्लॉट. अगर तो दैट्स वाई अगर अगर लेट्स सी अगर मैं 1 बजे तक भी पहुँचा हूँ तो उनका नेक्स्ट स्लॉट एनी वेज 2:30 का ही रहेगा, तो नो पॉइंट ज़्यादा जल्दी जाऊँ, क्योंकि एनी वेज इवन इफ आई ड्राइव फास्ट स्टिल मैं पॉसिबल नहीं है कि 1 बजे से पहले पहुंच सकूं. सो आई एम थिंकिंग कि पहले इसको आदि को कुछ खिला दूं यहाँ पे एंड समथिंग फ्रॉम बेकरी या कुछ ऐसा लेके, सो विल बी फाइन, अदरवाइज उसका भूख लग गई तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वापस आना ही पड़ेगा नहीं तो.
बिसाइड दिस आई थिंक मेरा यू नो अगेन वो गगनचुक्की फॉल्स और बाराचुक्की फॉल्स वो भी सोच रहा हूँ मैं कि अगर यू नो करके आऊँ, अगर एक दो तीन दिन का और बीच में हॉलीडे मिल गया तो दैट्स ऑल्सो अ गुड प्लेस. ओके आई थिंक वी लॉस्ट दैट लेफ्ट टर्न, वो निकल गया शायद, सो मुझे वापस रिवर्स करना पड़ेगा. सो या सो वो भी मैं चेक करने वाला हूँ. काफ़ी अच्छा वेदर है तो अभी यहाँ पे यू नो रेनी सीजन अच्छा हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है. लेट्स सी अगर वहाँ का अगर मिल गया मूड तो शायद बना वहाँ का प्लान कर लूँ इस मंथ. ओके सो ये कहाँ गया वो लेफ्ट, या सो आई थिंक दिस इज़ द लेफ्ट आई वॉन्ट टू टेक. तो जस्ट बी विजिलेंट, नहीं तो आप सीधा स्ट्रेट निकल जाएंगे आगे. तो ये है कनकपुरा रोड का जो एग्जिट पॉइंट है. तो कनकपुरा भी मैं ज़्यादा नहीं आया अभी तक टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक एक या दो बार ही अभी तक आया हूँ, वो भी कुछ यू नो प्लेसेस में भी आ जाएंगे. एक बार शादी के लिए आया था तो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए. एंड एक बार तो आई थिंक रात के टाइम आया था तो नथिंग मच टू सी. सो ओवरऑल दिस माइट बी मेरे लिए भी नया फर्स्ट टाइम ही है कनकपुरा साइड आने का. ओके सो आई थिंक आई टोल्ड यू इट्स कनकपुरा रोड एग्जिट. नो इट्स नॉट एग्जिट, वो वहाँ से टर्न लेके आप नाइस रोड पे ही रहेंगे यहाँ से, और यू नो कनेक्ट रहेगा टूवर्ड्स द एग्जिट ऑफ कनकपुरा रोड. सो मुझे लगा कि पहला वाला एग्जिट ही रहेगा बट नहीं, ये एक्चुअली वापस हम लोग नाइस रोड पे हैं. तो वहाँ से हम लोग अगर हम लोग सीधे निकलेंगे तो आई थिंक इट विल प्रॉब्ली गो टूवर्ड्स ई सिटी साइड. बट यहाँ से भी एक्चुअली कनेक्ट होता है ई सिटी साइड. लेट्स चेक, क्योंकि ज़्यादा इस रूट पे मैं आता नहीं हूँ. तो मेरा जहाँ घर है वहाँ से एग्ज़िट इधर विल गो टू तुमकुर साइड और हम लोग देवनहली साइड जाते हैं. तो वेरी लेस दैट आई यूज़ नाइस रोड. राइट सो फाइनली वी आर हेयर नियर द एग्ज़िट और फास्ट ट्रैक चल जाना चाहिए लिटिल बिट फॉरवर्ड एंड रिवर्स. ओके कूल, सो ये है मेट्रो कंस्ट्रक्शन यहाँ तक आ गया है. आई थिंक स्टिल इट इज इन प्रोग्रेस इफ यू कैन सी. सो आई हैव टू टेक अ राइट फ्रॉम हियर. आई थिंक ये ही रास्ता है आपको अगर श्री श्री रविशंकर जी के यू नो आश्रम के साइड जाना है. आई थिंक बहुत सारे लोग विजिट करते हैं वो प्लेस. इवन आई हैव नॉट बीन येट बट आर्ट ऑफ लिविंग वाला जो जगह है काफ़ी अच्छा है. मे बी आई विल प्लान सम टाइम. सॉरी आज थ्रोट ज़्यादा क्लियर नहीं है. सो हाँ ये देखिए आप ऊपर से सीधा निकल जाता है नाइस रोड एंड वी आर नाउ ऑन ओल्ड कनकपुरा रोड. ओके हाँ आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकी तो आई थिंक यू कैन सी द रोड कंडीशन इज़ ओके नॉट बैड. लास्ट टाइम जब मैसूर रोड पे गए थे तो वहाँ पे यू नो PSA का काफ़ी काम चल रहा था. तो अगर आपने मेरा मैसूर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक माय अदर वीडियो. यू कैन डेफिनेटली यू नो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर लाइक एंड जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा लेटेस्ट आई हैव
mention Mysore road ka conditions and you know the route which I have taken. आदि अभी तक उठा नहीं है। तो उसको कुछ नहीं, अगर एसी चल रहा है तो ही विल नॉट गेट अप, चाहे रास्ता कैसा भी हो उसको एक बार नींद आ गई तो देन इवन आई फाई प्ले सॉन्ग्स एंड एनीथिंग वो उठेगा नहीं। दिस पार्ट ऑफ द सिटी आई थिंक काफ़ी अच्छा है, ग्रीन है। दो आई थिंक नॉर्थ बंगलोर अगर आप आए हैं तो उस तरफ भी एयरफोर्स का काफ़ी सारा एरिया एयरफोर्स का है जो बहुत ही ग्रीन है। सो ये हम लोग एक इंटरनल रोड पे आए हैं, तो आई थिंक अगर आप गूगल फॉलो करेंगे तो आप इस रोड पे आ जाएं। और आप एनीवेज आई थिंक यू कैन इनफैक्ट पुट प्राणी फॉर द प्राणी द पेट सेंचुरी एंड इट विल गाइड यू। यू कैन ऑल्सो चेक रिव्यूज एंड एवरीथिंग। वैसे ही मैंने चेक किया था सब कुछ एंड पार्किंग स्पेस भी है वहाँ पे, सो दिक्कत नहीं है एंड इट्स फ्री पार्किंग सो यू डोंट हैव टू पे। सो एक अच्छा यू नो आई थिंक लोकेशन है जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट ऑफिस एंड सिटी मोड एंड आई लाइक दीज लोकेशंस जहाँ पे थोड़ा सा रिमोट है एंड यू नो लिटिल क्वाइट। ओके आई होप दे विल गिव मी लिटिल साइड। ओके राइट, सो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी 1:30 नाउ। सो अगर मैं जाके चेक करता हूँ पहले कि टिकट मिलेगा कि नहीं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे 2:30 वाले स्लॉट में एंट्री करना पड़ेगा। सो एनीवेज आई थिंक आदि भी सो रहा है तो इसने लंच नहीं किया, तो मे बी मैं वहाँ पे वो स्लॉट लेके वापस आके लंच करके देन आई विल शो यू इनसाइड ऑफ the pet century. Very nice place. But road काफ़ी narrow है, तो अगर आगे से कुछ आ गया तो I think you need to be a little careful. एक बड़े बस के लिए है road bus. I think अगर आगे से कोई बस आ गई तो मुझे काफ़ी side में रोकना पड़ेगा। कैन सी नाउ सो एक पार्किंग तो पीछे गया बट वहाँ पे फुल है, तो इसने मुझे आगे बुलाया इस लड़के ने। सो या सो दिस इज द स्पॉट प्राणी, या सो विल टेक अ राइट एंड पार्किंग एरिया वहाँ पे है। सो इस इज द पार्किंग एरिया इज नियर टू दैट प्राणी सेंचुरी इटसेल्फ। सो रोड इज एक्सेसिबल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई भी गाड़ी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बट मे बी अगर बारिश हुआ होगा तो थोड़ा सा स्लिपरी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है। बहुत ग्रीन है, काफ़ी ग्रीन है, कूल। सो व्हाट आई विल डू इज अभी मैं पार्क कर लेता हूँ अपनी जल्दी से एंड देन आई विल चेक फॉर द टिकट्स एंड एवरीथिंग एंड मे बी अगर नहीं मिला तो एज आई सेड कि मैं बाहर लंच करके आ जाऊँगा एंड देन वंस आई गेट द एंट्री तो आपको मैं वापस जो वीडियो है अंदर का प्राणी सेंचुरी के अंदर का वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके आई रीच द पार्किंग एरिया, सो दिस इज द पार्किंग एरिया। ओके प्लेस है बट आई थिंक अगर अगेन अगर बारिश आ गई है ज़्यादा तो आपको यहाँ पे नहीं, आप बाहर जो है एक लोकेशन वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं, बट वहाँ पे फुल था इसलिए इन्होंने हमको यहाँ बुलाया। दे हैव दिस वॉकी टॉकीज आई थिंक, इससे बात करके सब यू नो लोग भेज रहे हैं।
ओके आई विल जस्ट कनेक्ट विद द गाइज इन सम टाइम. मेरे को टिकट्स का सॉर्ट आउट कर लेता हूँ मैं पहले. थैंक यू गाइज, आई विल कम बैक. राइट, सो जैसा कि मैंने बोला था आपको, सो 2:30 का ही स्लॉट मिला था मेरे को. सो वी हैड लंच एंड वी केम. सो दिस लुक एट दिस गाइस, दैट्स अ कपल. व्हाट इज दिस? काफी जगह काम चल रहा है. कम sleeping. Say hi. Hi. Oh, what's the color change? Also changes color. Yes. What's the color change? See, the yellow cat. From here you see. From here you see. Nice, no? Nice, no? See there. See there. अरे हैंड नीचे आप मत हैंड अप मत बन सही में बैठो पास सही में बैठो वेट इट विल कम ओके इट विल कम वेट हैंड अप मत लेंचा हां इट विल कम वेट इट विल कम हैंड मतलब गिव योर हैंड फोटो फोटो कॉलिंग वन अदर ओके वेट गिव मी गाइस कुड यू ऑल प्लीज रिमेन सीटेड डोंट गेट अप What are you doing?
Alright guys, so yeah, that was the day and we are going back now. So I hope कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. तो definitely it's recommended from my side. You know, surely visit this place. The ticket will be 400 per person, 4 years and above kids, again 400 rupees. So we paid 800 rupees and parking free है. तो आप definitely आए यहाँ पे, enjoy करें. It will take you maybe just
keep you know half day at least for this activity, and definitely you'll enjoy. It's worth a visit, guys. So thank you so much again, and I'll come back with a new video, new location. Till the time, take care. Bye bye.